5 जनवरी को निम्न शर्तों एवं व्यवस्थाओं पर माल की 3,700 इकाइयों का निर्माण एवं निर्गमन किया जाता है। देखो 3,700 आर्टिकल्स, देखो तो प्रोफॉर्मा बनाओ, पर्टिकुलर अमाउंट लिखो, ट्रांजैक्शन प्राइस कितना दिया है, देखो 750 रुपये है ना। एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव मतलब क्या होता है, टैक्स इंक्लूडेड नहीं है, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है, सभी करों के अतिरिक्त 750 रुपये एक आर्टिकल का है और टोटल कितने हैं 3,700। तो 3,700 × 750 करेंगे, तो मल्टीप्लाई करो 3,700 × 750 2,775,000। सबका यही आ रहा है? यस मैम। 2,775,000 ट्रांजेक्शन प्राइस ये हो गया। फिर अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, मैन्युफैक्चरर हैज अपॉइंटेड ब्रोकर फॉर ऑब्टेनिंग ऑर्डर फ्रॉम होलसेलर्स। फिर देखो ही गेट्स कमीशन एट 5% ऑन नेट प्राइस विच इज पेड बाय होलसेलर्स। मैन्युफैक्चरर्स डिस्पैच गुड डायरेक्टली टू होलसेल बायर्स, ये कमीशन है, इसको बाद में देखना। मैन्युफैक्चरर गिव्स ट्रेड डिस्काउंट एट 10% ऑन इनवॉइस प्राइस एंड चार्ज्ड आउटवर्ड ट्रांसपोर्टेशन चार्ज ₹100 पर यूनिट। तो पहले इसमें ट्रेड डिस्काउंट दो, कितने का ले रहे हैं, 10% का कैलकुलेट करो, 10% कितना होगा 2,775,000। नेट वैल्यू देखो कितना आ रहा है, 24,97,500 इतना आ रहा है सबका। अब करो इसमें कमीशन, चलो कमीशन का अमाउंट कैलकुलेट करके बताओ मेरे को, कमीशन कितना दिया है। देखो निर्माता द्वारा एक एजेंट को नियुक्त किया गया जिसके द्वारा विभिन्न थोक विक्रेताओं से ऑर्डर प्राप्त किए जाते हैं। ऑर्डर प्राप्ति द्वारा निर्माता द्वारा सीधे थोक विक्रेताओं को माल की आपूर्ति की जाती है। फिर नेक्स्ट देखो क्या दिया है, निर्माता द्वारा एजेंट को शुद्ध मूल्य का 5% पारिश्रमिक कमीशन के साथ में दिया जाता है। तो शुद्ध मूल्य क्या है इसमें, देखो ये जो मैंने नेट वैल्यू निकाला है ना, ये है शुद्ध मूल्य, इसलिए मैंने पहले इसमें ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया। देखो क्योंकि यहाँ लिख के दिया था ना शुद्ध मूल्य का 5%, देखो हाईलाइट करूं क्या मैं उसको, ये देखो हुआ हाईलाइट, देखो देखो इसको ऑन नेट प्राइस विच इज पेड बाय द होलसेलर्स, दिख रहा है 5% कमीशन।
यस है ना, ये देखो नेट प्राइस पे दिया था, इसलिए इसको छोड़ के मैंने पहले ट्रेड डिस्काउंट दिया था जो कि इनवॉइस प्राइस पे था। तो जब अपन इन ट्रांजेक्शन प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे तो आता है नेट वैल्यू। माइक म्यूट कर लो। तो वो हो गया अपना शुद्ध मूल्य। तो इसमें निकाला, अरे म्यूट करो ना माइक सुमन ध्रुव। अब नेक्स्ट देखो, कमीशन दिया है 5%। तो अगर 5% ऑन नेट प्राइस, ठीक है, तो ये जो नेट वैल्यू लिया था तो 249750 का 5% कितना आएगा? 124875 124875 प्लस हो गया कमीशन, कितना हो गया टोटल करोगे? 26223750 आ रहा है, यही आ रहा है सबका। ये हो गया वैल्यू इंक्लूडिंग कमीशन। नेक्स्ट देखो इसमें क्या दिया है, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस कितना लिया है? 100 रुपये पर यूनिट। तो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस 3700 × 100, ₹3,70,000 टोटल हो गया, 29,92,375। ठीक है, ये हो गया आपका टैक्सेबल वैल्यू। नेक्स्ट देखो, जीएसटी 12% लगाने बोला है, ठीक, टोटल इनपुट कॉस्ट निकालने बोला है। ठीक है, उत्पाद की इनपुट इनपुट लागत क्या होगी, मतलब इनवॉइस पूछ रहा है। तो टैक्सेबल वैल्यू ये हुआ, इस पे जीएसटी लगाओ 12% से, तो आप लोगों का आएगा 359085। तो आपका टोटल वैल्यू है ना, या फिर टोटल इनवॉइस आपका हो जाएगा 3351460। ये हो गया आपका आंसर। आया समझ में? ये देखो, ये वाला जो क्वेश्चन था ये इसलिए सिलेक्टेड है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ये वाला एजेंट वाले इस टॉपिक के लिए है ना, जो कमीशन दे रहा है उसको 5% शुद्ध मूल्य पर, सिर्फ उसके लिए था। अच्छे से उसको क्वेश्चन पे तुम लोग यहाँ अपने कॉपी में कहीं नोट करके रखो कि ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 10 जो लिखा है ना इसमें, उसको करने का रीजन क्या था। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन करें। टोटल इनपुट कॉस्ट में कौन सा है? ये है ना टोटल वैल्यू बेटा, टोटल इनपुट कॉस्ट 33,51,460 ये वाला, ये देखो, क्या मतलब इनवॉइस प्राइस? हाँ ठीक है, और कहीं पे डाउट है पूछो, नहीं तो फिर अपन नेक्स्ट करते हैं। बताओ, क्लियर है मैम? क्लियर है निकिता, कोई डाउट है? नो मैम। ठीक है, क्लियर करूं? यस मैम। अब नेक्स्ट देखो इसमें है ना,
रीड करो क्वेश्चन, कौन एक्सप्लेन करेगा मेरे को क्वेश्चन? बताओ कौन कर रहा है क्वेश्चन एक्सप्लेन मेरे को? तृप्ति 300 मिलीलीटर्स बॉटल्स, कितनी बोतलें? 6,49,000 और एक का प्राइस कितना है? 9 रुपए। देखो मैं हाईलाइट करते जा रही हूँ, 6,49,000 बॉटल्स हैं और प्राइस है उसका 9 रुपीज। ये देखो 300 ml बॉटल्स कितनी है? 6,49,000 और प्राइस पर बॉटल कितना है? 9 रुपीज। तो सिंगल सिंगल लिखते जाओ पहले, 300 ml बॉटल्स सिक्स लाख 49,000 बॉटल्स हैं, एक बॉटल का प्राइस है 9 रुपीज, तो कितना आएगा? 58,41,000। फिर नेक्स्ट देखो, बोतल की लागत अलग से चार्ज 2.5 रुपए प्रति बॉटल, ठीक है। आगे देखो, तो बोतल का जो प्राइस है वो अलग से आएगा, उसको देखो अब खाली बोतल वापसी हो गया, तो ये जो बोतल्स की जो प्राइस दिया है 2.5 रुपए की, देखो 300 ml की बोतल उसमें कुछ भी ड्रिंक वगैरह होगा उसका प्राइस है 9 रुपीज, लेकिन जो खाली बोतल हो जाएगी उसमें से उसका है 2.5 रुपए और खाली बोतल वापसी हो गया, वापसी हो गया है मतलब रिटर्नेबल है, ठीक है, बट डिस्ट्रीब्यूटर्स रिटर्न ओनली 525,000 बोतल्स। आगे देखो, 1500 बॉटल्स कितनी है? 1,25,000 और उनका प्राइस कितना है? 40 रुपए। फिर देखो, 1,25,000 बॉटल्स हैं और उनका प्राइस है 40 रुपए। तो 1500 ml की जो बॉटल्स हैं वो कितनी है? 1,25,000 और उनका प्राइस 40, तो टोटल करो 50 लाख। थर्ड देखो, अब 300 ml की 25,000 बोतलें कंपनी ने विज्ञापन अभियान के दौरान सैंपल के रूप में बिना मूल्य के वितरित की, 300 ml की बॉटल्स हैं, ठीक है। तो 300 ml का चार्जेस यहाँ ऊपर लिख के दिया है फर्स्ट पॉइंट में, 9 रुपए की है, तो ये देखो 300 ml की 25,000 बॉटल्स, ठीक। और ये जो 300 ml की बॉटल्स हैं इसका फर्स्ट पॉइंट में देखो 9 रुपए की दिया है बॉटल, देखो डबल हाईलाइट कर रही हूँ मैं उसको, ये देखो। तो सैंपल्स में दिया 25,000 बोतलें 300 ml वाली थी, इसलिए उसका 9 रुपीज ले रही हूँ, तो इसका अमाउंट आ जाएगा 2,25,000। यहाँ तक किसी को डाउट है? किसी को? अब सेकेंड पॉइंट पे फिर से आओ और उस पर देखो, एम्प्टी बॉटल्स आर ड्यूरेबल बट नॉट रिटर्नेबल। ये बोतल की लागत अलग से 4 रुपए प्रति बॉटल है, बॉटल टिकाऊ है लेकिन वापसी योग्य नहीं है, जो वापस योग्य है वो तो वापस कर देंगे, लेकिन इसमें कितनी बॉटल्स हैं? 1,25,000 बॉटल था सेकेंड पॉइंट में, जो टिकाऊ तो है वापसी होगी नहीं, और ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुकी हूँ, तो ये देखो ये 4 रुपए प्रति बॉटल यहाँ पे, तो बॉटल्स का अलग से चार्ज करेगा 4 रुपए, तो ऐड करो पैकिंग चार्जेस, एक लाख 25,000 बॉटल, ये 1500 ml वाला ना, 300 वाले में नहीं, इंटू 4 रुपए से, कितना आएगा? 5 लाख। इसका टोटल किया तीनों का कितना आया?
फिर ये पैकिंग हो गया, पैकिंग के बाद क्या ऐड करेंगे? ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस हैं अपने 35,000। फिर है अपने प्लास्टिक बॉटल्स वर डिस्पैच इन पैकिंग ऑफ कार्टून्स, ठीक, सच पैकिंग इज प्रोवाइडेड इन जनरल पॉलिसी, एक्सपेंसेस इनकर्ड ₹50,000। तो पैकिंग का लिखो ₹50,000। फिर कितना दिया देखो, इंश्योरेंस प्रीमियम ₹10,000, कैलकुलेट जीएसटी पेबल फॉर कंसिडरिंग द फॉलोइंग आइटम्स। 12,000 बॉटल्स 300 ml की डिस्ट्रॉय हो गई ट्रांजिट में, एंड इंश्योरेंस कंपनी पेड क्लेम फॉर 50%। तो ये जो क्लेम आएगा इससे कोई मतलब नहीं है अभी हमको, ये वाले क्लेम को रहने दो ऐसे, इसका अभी हमारा कोई काम नहीं है इस वाले क्लेम से, तो इसको रहने देते हैं अभी। ये देखो नेक्स्ट देखो, इसमें कंपनी थोक विक्रेताओं को 30% व्यापारिक बट्टा देती है, लेस ट्रेड डिस्काउंट, कितना परसेंट दे रही है? 3%। 3% किस पे निकालेंगे? 1,10,66,000 रुपये। निकालो कितना आ रहा है इसका टोटल, अगर करोगे तो आएगा 1,16,61,000, और 3% इसका माइनस करोगे तो 3,31,980। तो इसके बाद कुछ नहीं दिया है, ट्रेड डिस्काउंट सॉरी टैक्सेबल वैल्यू, ये आ गया अपना ₹29,020। जीएसटी लगाएंगे 28% बोला है, तो 28% जीएसटी होगा इसका। चलो कैलकुलेट करो, बताओ कितना आ रहा है 28% जीएसटी? नहीं आ रहा है किसी का अमाउंट? 3172125 पॉइंट में नहीं आ रहा है क्या आंसर बेटा? 0.6 आ रहा है ना, 0.6 आ रहा है, तो उसको वो कर दो राउंड फिगर, तो मैम 0.26 हो जाएगा। हाँ तो ये अमाउंट देखो लिख रही हूँ 3172125 और 15% कॉम्पनसेशन इस पे देंगे, तो 169,353। टोटल करोगे दोनों का, ठीक। तो क्वेश्चन में क्या निकालने बोला था? जीएसटी दर 28% है, कितना है? निम्न बातों को ध्यान में रखते हुए दे जीएसटी की गणना कीजिए। तो सिर्फ जीएसटी निकालने बोला था, तो ये जीएसटी निकाल दिया आपका, ये दोनों। क्लियर हुआ? कोई डाउट है यहाँ तक? मैम जो जीएसटी निकाले हैं फिर उसका 15%,
टैक्सेबल वैल्यू का निकालोगे 15% जब भी कॉम्पनसेशन सेस बोलेगा आप लोगों को, ठीक है? यस मैम, टैक्सेबल वैल्यू का निकालेंगे आप, क्षतिपूर्ति उपकर जब भी बोलेगा कॉम्पनसेशन सेस तो वो हो जाएगा जो भी टैक्सेबल सप्लाएगा या वैल्यू उसका। अब देखो ये हमने जितने भी प्रैक्टिकल्स किए अभी तक, ठीक है, वो कौन से प्रैक्टिकल्स कर रहे थे अपन? जो गुड वैल्यू ऑफ गुड्स सप्लाइड के कर रहे थे अपन, मतलब माल की पूर्ति के कर योग्य मूल्य का निर्धारण कर रहे थे। लेकिन अब देखो यहां तक क्या था, जो मैन्युफैक्चरर था, जो प्रोड्यूसर था, वो गुड्स बना रहा था, हम उस पर जीएसटी लगा के दे रहे थे, खत्म। अब नेक्स्ट वाले में हम क्या करेंगे, व्यापारियों, ये फर्स्ट स्टेज होता है, अब हम सेकंड स्टेज के प्रैक्टिकल्स करेंगे कल से। अच्छा ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है इसको क्लियर कर दूं पूरा, किसी को नोट तो नहीं करना है? नो मैम। हो गया है सबका? यस मैम, सब तो। देखो अभी हम सप्लाई वाले क्वेश्चन कर रहे थे प्रैक्टिकल में अपन, ये फर्स्ट स्टेज था। अब सेकंड स्टेज में हम बिजनेसमैन के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, व्यापारियों के, ट्रेडर्स के, डीलर्स के क्वेश्चंस करेंगे। अब देखो ये जो बिजनेसमैन होते हैं या ट्रेडर होते हैं, अब ये किसी एक चीज में तो ट्रेड नहीं करते हैं। वैसे जब हम सप्लाई के क्वेश्चन कर रहे थे तब क्या होता था, ये निर्माता होता था, ये गुड्स बना रहा है और ये इनको बेच रहा है, ठीक। लेकिन ये लोग जो है ये तो गुड्स बनाते नहीं, ये तो खरीदते हैं। तो अब जब ये गुड्स खरीदेंगे तो ये किसी एक से नहीं खरीदते, ये एन नंबर रहते हैं इनके पास, कभी 5 लोगों से खरीदेंगे, कभी 6, कभी 7, कभी 8, कभी 9, कभी 10। तो ये तो उनके पास पूरी एन नंबर ऑफ लिस्ट होती है। तो हम अब से जो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे लास्ट नेक्स्ट क्लास से, गुड्स सप्लाइड बाय ट्रेडर्स, ठीक, मतलब व्यापारियों द्वारा माल की पूर्ति के कर योग्य मूल्य की गणना। अब इसमें सपोज ये अगर सीमेंट बेच रहा है तो ये मेडिसिन भी बेचेगा, ठीक, ये टी भी बेचेगा, टीवी भी, बुक्स भी, एन नंबर ऑफ थिंग्स। और अब इन सब पे जीएसटी का रेट अलग अलग होगा। पहली बात, जीएसटी का रेट सब में क्या होगा, अलग होगा। फिर नेक्स्ट इसमें, अब मान लो आपको क्वेश्चन में 10 लिस्ट दे दी है ना, एक ही बिजनेसमैन की 10 लिस्ट दी है, सब पे अलग अलग जीएसटी आ रहा है, वो तो अलग हो गया। दूसरा अब क्या हो जाएगा, इसमें बहुत सारे गुड्स होंगे जो एग्जेम्प्ट होंगे, एग्जेम्प्ट समझते हो, जिस पे टैक्स नहीं लगता है, या जैसे रेडीमेड गुड्स होंगे, ठीक है, रेडीमेड क्लोथ्स रहेंगे, सपोज उसमें 500 तक के गुड्स पे 5% लग रहा है, लेकिन जैसे ही वो 500 से ज्यादा बड़ा उस पे 12% जीएसटी लगेगा। तो एक ही गुड्स पे जीएसटी का रेट भी अलग हो जाएगा। कौन कौन सा एग्जेम्प्ट है, मैंने लास्ट क्लास में एक बार बोला था कि आपको एक लिस्ट याद होनी चाहिए कि कौन से जो गुड्स हैं वो एग्जेम्प्ट है, याद है मैंने बोला था आप लोगों को कुछ इस टाइप से? कि एग्जेम्प्ट गुड्स की लिस्ट याद करनी है आप लोगों को, याद आया कुछ, भूल गए शायद, क्लास अटेंड नहीं किया। तुम तो कभी नहीं अटेंड करती हो, पर ठीक है, बोल तो देती हो, बाकी तो पता नहीं कहाँ ही रहते हैं, कौन सी दुनिया में आजकल। क्यों चितेश, याद है बोला था मैंने कि एक लिस्ट याद करनी है टैक्स फ्री गुड्स की? Yes. हाँ, तो अब हमको टैक्स फ्री गुड्स की लिस्ट भी याद करनी है, प्लस रेट ऑफ जीएसटी भी हमको कुछ कुछ याद रखने पड़ेंगे, सारे नहीं कुछ कुछ,
तो अब नेक्स्ट टॉपिक से जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो आप लोग 3 से 4 पेज छोड़ देना. उसमें क्या करना, जो जो आपके बैक क्वेश्चंस में या जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, जो जो गुड्स आएंगे तो उसका एग्जेम्पशन भी पता चलता जाएगा, ये एग्जेम्प्ट है ये नहीं, तो आप उसके एक अलग से लिस्ट बनाते चलना. देखो एग्जाम में क्या होगा, क्वेश्चंस तो आपके बुक से ही आता है तो आपको पता रहेगा ना कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा पॉइंट एग्जेम्प्ट है. आ रहा है समझ में? प्लस आप अपने बुक में एक लिस्ट दिया है टैक्स फ्री गुड्स की, सबके पास बुक है, सबके पास एग्जेम्प्ट गुड्स की लिस्ट है, ढूंढना आप लोग. सिलेबस कंटेंट्स दिया है स्टार्टिंग में, उसमें लिखा होगा पेज नंबर. नेक्स्ट क्लास में जब आएंगे आप तो उस पेज को खोल के बैठना, तो क्या है उसको लोकेट करने में इजी होगा और प्रैक्टिकल सॉल्व करने में भी इजी होगा. क्लियर है?